नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम साइंस कवर करेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वॉट इज फोर्स फोर्स क्या होता है इसको पढ़ने से पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए बताइए अगर आपको आपने कभी देखा है तो वो धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है या फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी फुटबॉल को मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा या फिर अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल है आपको उसे फास्टर मूव करना है तो आप क्या करेंगे या अगर एक बॉल जो गोलकीपर है उसे बॉल को रोकना है तो वो क्या करेगा या फिर जो फील्डर होता है हमारे जो बैट्समैन होते हैं जब बैट को हिट करते हैं बैट से हिट करते हैं तो फील्डर को उस बॉल को स्टॉप करना पड़ता है तो उस बॉल को स्टॉप करने के लिए वो क्या करेगा क्या आप सब बता सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने वो फोर्स अप्लाई करते हैं जब तक कि हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हम किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते ठीक है आपने ऊपर जितनी भी सिचुएशन देखी इसमें या तो हमने बॉल को फास्ट मूव करा है या उसे स्लो करा है या फिर उसकी जो मोशन है उसका जो डायरेक्शन है उसे चेंज करा है और ये सब करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है फोर्स की जरूरत पड़ती है बट स्टिल द क्वेश्चन इज सेम फोर्स होता क्या है आपने मुझे ये तो बता दिया कि इन सब काम को करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है लेकिन होता क्या है? What is force? या फिर जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसा उस बॉडी में क्या होता है जिससे कि वो एक्टिविटी मोड में आ जाता है मोशन में आ जाता है या स्टॉप हो जाता है जब, जब भी हम फोर्स लगाते हैं इस स्लाइड में हम इस हमारे इस टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है आइए पढ़ते हैं। वॉट इज फोर्स फोर्स होता क्या है? अगर हम हमारे साइंस की बात करते हैं, तो फोर्स का एक सिंपल सा मतलब होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हैं या खींचते हैं तो उसे हम फोर्स कह सकते हैं, ठीक है इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उससे क्या होगा हमारा जो मोशन है उस जैसे कि हम कुछ एक्शंस की बात करते हैं जैसे कि पिकिंग तो हम जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो हम उसे पुल करते हैं या फिर मान लीजिए आपको गेट खोलना है ओपन करना है गेट तो आप उसे पुल करते हैं या गेट को बंद करना है शट करना है तो आप उसे शट कर, पुश करेंगे इसी तरीके से हमारे जो एक्टिविटीज है आप क्या कर रहे हैं या तो आप पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को या पुल कर रहे हैं। तो ये जो पुश और पुल की जो एक्टिविटी है इसी को हम क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं बिना फोर्स के हम इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं क्या बताइए क्या हम बिना फोर्स लगाए आप गेट खोल लेंगे पुश नहीं करेंगे ठीक है तो ये क्या है कि फोर्स की वजह से क्या होता है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर चेंज आता है जब हम कोई भी चीज करते हैं जब भी हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारी उसका जो स्टेट ऑफ मोशन होता है जैसे कि जो चीज बंद है वो खुल जाएगी या फिर जो खुली हुई है वो बंद हो जाएगी बॉल भाग रही है अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी और अगर वो नहीं भाग रही अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलने लगेगी तो इसमें आपका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है एग्जाम्पल के तौर दो, पर आप देख सकते हैं इसमें एक हॉकी प्लेयर है जो कि बॉल को फ्लिक कर रहा है और यहाँ पे एक फील्डर है जो कि बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है और दोनों ही क्या कर रहे हैं आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमने पढ़ा हमने समझा कि फोर्स होता क्या है जब हम किसी भी चीज पर पुश और पुल का एक्टिविटी करते हैं तो वो फोर्स होती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बिना हाथ लगाए हम किसी चीज के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं लेट्स से एग्जांपल ये एक मैन है और ये एक कार है ये मैन इस कार के पास खड़ा है तो क्या ये कार चल जाएगी अपने आप अप? नहीं चलेगी इस मैन को इसको पुश करा फिर क्या ये कार चलेगी बिल्कुल चल सकती है ये कार क्योंकि अब इसने क्या करा है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा है तो इसका क्या मतलब हुआ इस एग्जाम्पल से अगर हमारे को किसी भी चीज के ऊपर जो हमारी फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर इंट्रेक्शन जरूरी है जब तक हम किसी चीज के ऊपर टच नहीं करेंगे उस पर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसपे फोर्सेज नहीं लगेंगी। जैसे कि ये हमारी जो फिगर ए है यहाँ पे क्या है दो गर्ल्स आपस में एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ रही है या फिर ये दोनों गर्ल्स खेल रही हैं तो ये क्या कर रही हैं एक दूसरे को पुल कर रही हैं या फिर ये जो हमारी जो गाय है भैंस है ये फार्मर है ये क्या कर रहे पुल कर रहा है यानी कि इन सभी एक्टिविटीज में इन सभी एग्जांपल्स में क्या हो रहा है आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और इसी इंट्रेक्शन में क्या है हमारा फोर्स लग रही है चाहे वो पुश की लग रही है चाहे वो पुल की लग रही है तो हमें इन सभी एग्जाम्पल से क्या मिलता है क्या कंक्लूजन मिलता है कि हमारे को फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होना जरूरी होता है ठीक है नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा और जानते हैं फोर्सेस के बारे में अब आप सभी ने टग ऑफ वार गेम खेला है सभी ने देखा तो जरूर होगा खेला हो या नहीं खेला खेला तो जरूर है इसमें क्या होता है एक दो अपोजिट टीम्स होती हैं और वो एक रस्सी को लेके आपस में खींचती हैं और क्या करती है उस पर फोर्स लगाती है और जिस टीम में ज्यादा फोर्स होता है जिस टीम के अंदर ज्यादा हिम्मत होती है वो टीम जीत जाती है तो हम क्या कहते हैं इन द टग ऑफ वार जब दो टीम्स इक्वली आपके उसके ऊपर फोर्स लगाती हैं या तो हमारी जो रोप है वो मूव ही नहीं करेगी किसी भी डायरेक्शन में और या फिर अगर हमारी जो ज्यादा स्ट्रेंथ वाली टीम है वो ज्यादा फोर्स लगाएगी तो वो मूव कर जाएगी वो जाएगी तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो हमारा फोर्स है उसको हम एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में।, में, में और ये जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता जाएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है बढ़ता जाएगा एक और चीज इसमें नोट करने वाली है जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो जो फोर्स होती है वो एड हो जाती है जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन हैं वो एक ही बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो इन दोनों की जो फोर्स है वो एड हो जाएगी और नेट फोर्स उस पर लगेगा लेकिन जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा क्या होता है जो फोर्सेस होती है सब्रैक्ट हो जाती है जैसे कि टग ऑफ वार में अपोजिट फोर्सेस लग रही है ठीक है तो इसमें क्या होता है हमारी जो फोर्सेस है वो क्या डिफरेंस हो जाएगा उनका कभी भी ऐड नहीं होगी आपको ऊपर पढ़ाई है चेंज इन ऑफ मोशन कि हमारी क्या होता है जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है हम उसके मोशन को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये एक लड़का है जो टायर से खेल रहा है और टायर से खेलते खेलते वो क्या कर रहा है उसके ऊपर एक लकड़ी है उससे मार रहा है और वो उसको फास्ट में मूव कर रहा है और वो उसका डायरेक्शन भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है ऐसे ही आपने फुटबॉल के गेम में देखा होगा कि जब पेनल्टी किक लेता है प्लेयर तो या तो वो उसका डायरेक्शन चेंज करता है ठीक है इसी तरीके से गोलकीपर हमारा काम करता है तो यही सब चीज़ है कि हम क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं या तो हमारी जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती है या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है या दोनों चेंज हो सकती है ठीक है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंजेस लाता है क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें बता सकते हैं हम ये टॉपिक आपके लिए दोबारा लेके आएंगे राइट right. अब हमारा नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मोशन अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए स्टेट ऑफ मोशन तो क्या होता है बच्चों जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्थिर पोजीशन में रेस्ट में है तो उसका जो मोशन होता है उसकी जो स्पीड होती है वो जीरो होती है और उस टाइम हमारा डायरेक्शन भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते क्योंकि वो क्या है रेस्ट पोजीशन में है लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके क्या होती है पहली चीज़ क्या आती है उसके अंदर स्पीड आती है दूसरा जिस डायरेक्शन में हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है वो मूव करता है ठीक है तो यहाँ क्या कह सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन हमारा दो चीज़ों से डिस्क्राइब होता है एक तो उसकी स्पीड से दूसरा मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन से फाइन ठीक है जैसे कि अभी मैंने पीछे भी एग्जाम्पल बताया था कि जब हम किसी हैवी बॉक्स को लेते हैं तो क्या है उसमें आप कितना भी फोर्स लगा लो जब तक आप उसके अंदर उससे उस बॉक्स से, से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगा ठीक है अब बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि स्पीड फोर्स की वजह से स्पीड आती है स्लो होता है डायरेक्शन में चेंज होता है फोर्स वो भी तो काम कर सकता है जैसे कि क्या फोर्स क्या कर सकता है आपने देखा होगा कि घर में मम्मियाँ आटा गूंथती हैं क्या वो बिना फोर्स लगाए आटा गूंथ सकती हैं नहीं कर सकती ना या फिर हम जब बाईसाइकिल पे बैठते हैं तो हमारे को पैडलिंग करनी होती है। आप बिना फोर्स लगाए उस पर पैडलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते या फिर आपको रबर बैंड खींचने के लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत है तो हमारे को हमारे लाइफ के हर पार्ट में फोर्स लगाना पड़ता है बिना फोर्स के हम कोई एक्टिविटी नहीं करते और फोर्स लगाने के लिए दो चीज़ों के बीच में इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है ठीक है यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर लीजिए चीज़ें तो यहाँ से हमारे को क्या पता चला कि हमारा जो वो होता है फोर्स होता है वो क्या क्या करता है एक तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेस्ट में हो तो उसे मूव कर सकता है स्पीड चेंज कर सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का और शेप को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट के और हो सकता है कि कुछ इनमें से कुछ इफेक्ट्स करे और हो सकता है सारा ही इफेक्ट्स दे तो बिना फोर्स के हम कोई भी काम नहीं कर सकते यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन ठीक है अभी तक हमने पढ़ा फोर्सेस के बारे में कि फोर्स क्या होती है फोर्स के होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं ठीक है फोर्स हमारे लिए क्यों जरूरी है ये सब हमने अभी तक पढ़ा अब हम पढ़ेंगे फोर्स के टाइप तो बच्चों हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं एक होता है कांटेक्ट फोर्सेस और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हमारे आते हैं मस्क्यूलर फोर्स एंड नेक्स्ट इज फ्रिक्शन ठीक है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज में आते हैं हमारे मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन इन चारों फोर्सेज पांचों फोर्सेज के बारे में हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इतने हमने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है उसे रिवाइज कीजिए किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए थैंक यू दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक्स के साथ